रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वशीकरण के विषय में मैंने कई वीडियो बनाया है, उसी क्रम में ये एक वीडियो है। वशीकरण से ऐसा ना समझा जाए कि वशीकरण अगर किसी पे कर दिया तो वो रोबोट की तरह आपकी बातें मानेगा, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। वशीकरण का मूल सिद्धांत ये है कि अगर आपका कोई विरोधी है, यदि आपसे कोई कटुवाणी बोलता है या दुर्भावनावश आपकी कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे लोग अपने मनोभाव में सक्सेसफुल ना हो या उनका मनोभाव बदल जाए, उसी को वशीकरण कहते हैं। कालांतर में सत्कर्मों का जो है दुरुपयोग और जो सही प्रयोग है, दोनों को बदल दिया गया और ऐसा उसको प्रस्तुत किया गया कि लोगों को लगे कि वशीकरण कर दिया तो अगला मेरे कब्जे में है। तो ऐसा ना सोचते हुए इस वशीकरण को करेंगे। ये वशीकरण प्रयोग जो है, ये कामदेव वशीकरण प्रयोग है। कामदेव का नाम सुनते ही लोग ऐसा समझते हैं कि इसका कामुकता से कोई वास्ता होगा। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कामदेव का मतलब होता है जो कामनाओं की पूर्ति करे। पिछले किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मा जी की जब पुत्री का अवतरण हुआ तो साथ में कामदेव का अवतरण हुआ था। तो इस साधना को कैसे करना है? इस साधना को करने के लिए कोई भी शुभ दिन में पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे और पूर्व की दिशा में आसन लगा करके, आसन भी पीला होना चाहिए, बैठ जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे गुरु पूजन से। गुरु है तो गुरु मंत्र करिए, नहीं तो ध्याय शिष्य शुक्लाम भजम द्विनेत्रम द्विभुजम गुरु श्वेतांबर परिधानम श्वेतमाल्यनुलेपनम वाराभ्यम करस्तम करुणामय विग्रहम वामे न उत्पन्नम ध्याय शक्ति आलिंगत विग्रहम सुप्रसन्न साधक अविष्ट फलदायक तस्मय श्री गुरुवे नमः, ऐसा बोल के पूजा का आरंभ करेंगे। उसके बाद गणेश वंदना करेंगे। ओम गणनंत्वः गणपते गुम हवामहे प्रियनम प्रियपते गुम हवामहे निधिनाम निधिपति गुम हवामहे वसुमम अहम जानामि गर्वधम तम जानसि गर्वधम। इसके बाद अगर गुरु मंत्र है तो उसका जाप कर ले। ठीक है, फिर सामने कामदेव के नाम से एक लाल पुष्प चढ़ाएंगे। कामदेव का जो यंत्र मैंने बताया था पहले, अगर वो है तो उसको स्थापित कर लिए, नहीं तो ऐसे ही उनके नाम पे एक पुष्प चढ़ाइए। उस पुष्प को धूप दीप, है ना, इत्र, गुलाब का इत्र, ये सब दीजिए, मिष्ठान चढ़ाइए और उसके बाद कर्णयास कीजिए। कर्णयास क्या होता है? जब हम उंगलियों से उंगली को और हाथ हथेली से दूसरे हाथ को स्पर्श करते हैं, तो जब हम बोलेंगे क्लांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर से जो थंब है उसके नीचे से लेकर के ऊपर तक स्पर्श करेंगे। बाकी सारा जब हम कर्णयास करते हैं तो थंब को किसी भी उंगली के रूट से टिप तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लिम तर्जनीभ्याम नमः, क्लुम सर्वानंदमयी मध्याभ्याम नमः, क्लौम अनामिकाभ्याम नमः, क्लौम कनिष्ठकाभ्याम नमः, कलह करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। मतलब दोनों हाथ की हथेली से उसके ऊपर के भाग को छुएंगे। ठीक है, ये कर्णयास हो गया। इसके बाद हृदयनास करेंगे। इसमें क्या होता है? क्लाम हृदय नमः, तो राइट हैंड से हृदय को छुएंगे। क्लिम सिर से स्वाहा, तो सिर को छुएंगे। क्लुम शिखाय वसटा, शिखा का स्पर्श करेंगे। क्लैम कवचाय हुम, तो लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पे और राइट हैंड से लेफ्ट कंधे को छुएंगे। ठीक है, क्लौम नेत्राय वसौट, तो मिडिल फिंगर से थर्ड आई को और दोनों जो बगल की उंगलियां हैं उससे दोनों आंखों को छुएंगे। और क्लह अस्त्राय फट, तो लेफ्ट हैंड को सामने रखेंगे और मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर जो है राइट हैंड का, उससे तीन बार उसके चारों तरफ घुमाएंगे और उसके बाद तीन बार ऐसे फट। इसके बाद जो मंत्र है उसका 11 माला जाप करना होता है। 5 दिन तक अगर आप 11 माला इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद आप इसको किसी के भलाई के लिए या खुद की भलाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम
क्लिम मद मद मादय मादय अमुकम वश्य वश्य ह्रीम स्वाहा। ओम क्लिम मद मद मादय मादय अमुकम वश्य वश्य ह्रीम स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का 11 माला 5 रात्रि तक अगर आप जाप करते हैं, रात्रि में 10 बजे के बाद पूजा करना चाहिए, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब ये मंत्र सिद्ध होता है ना, तो सिद्ध होने के बाद आप किसी भी सामग्री को अपने सामने रखिए, जैसे पानी हो, खाने का कोई सामान हो, पुष्प हो, ठीक है, और उसके बाद एक माला इस मंत्र का आप जाप कर लेंगे। जब जाप करेंगे तो अमुक के जगह जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे वशीकरण करना है तो कैसे उसका फिर जाप करेंगे, तो ओम क्लिम मद मद मादय मादय रुद्रनाथ वश्य वश्य ह्रीम स्वाहा। ठीक है, और उसके बाद ये जो भी वस्तु को देखते हुए आप एक माला का जाप करेंगे, उस वस्तु को आपको मुझे लाके दे देना, मतलब जिसको भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसको लाकर के दे देना है। दे देने से जो व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा वो आपके बारे में या आपसे विरोधाभास नहीं रख पाएगा। ठीक है, एक अल्प और वशीकरण बता देता हूँ। ऐसे ही पीले वस्त्र पहन के शुक्रवार के दिन रात्रि के समय पीला हकीक ले लीजिएगा। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति को आपको वश में करना है उसको उसका मन ध्यान में रख करके, उसका ध्यान करके, और उसके बाद 10,000 जाप आप करेंगे। ओम चिति चिति चामुंडा काली काली महाकाली अमुकम मे वश्य ने स्वाहा। अमुकम की जगह उस व्यक्ति का नाम, ओम चिति चिति चामुंडा काली काली महाकाली अमुकम मे वश्य ने स्वाहा। 10,000 जाप करेंगे, उसके बाद 1,000 इसका आहुति देंगे। ठीक है, हवन सामग्री कुछ विशेष नहीं लगेगा, और अगर एक दिन में नहीं होता तो 5 से 7 दिन इसका जाप करेंगे। मतलब पहला दिन तो 10,000 जाप, उसके बाद 100-100 जाप। ऐसा जब आप 100-100 जाप कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि जो व्यक्ति है वो आपके वशीभूत हो जाएगा। जीवन में जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो उसके लिए इस मंत्रों का प्रयोग करें। जिनको साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है जो साधक को जानना चाहिए वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद आप हमारे पंथ में आ सकते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लेख और आगे के कार्यक्रम जानने के लिए www.aghortantrasya.com पर जाइए। डायरेक्ट कॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन है कॉल मी फॉर ऐप, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। उससे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं रुद्रनाथ सर्च करके। कामदेव आपकी कामना पूरी करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।